अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, आज कुछ हमें थोड़ी सी फॉग देखने को मिल रही है, शायद कुछ देर में बढ़ जाए, अल्लाह करे बढ़ जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, इस साइड से, बैक साइड से आ रही है, तो हमारी एक क्लास रह गई है, वो हो जाए तो फिर हम इस फॉग के बीच में जाते हैं, अच्छे से इसको एक्सप्लोर करते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम यूनिवर्सिटी से फ्री हो चुके हैं, तो जैसे ही हम लोग फ्री हुए, यहाँ से फॉग वगैरह भी ख़त्म हो चुकी है। काश फॉग वगैरह होती तो हम इंजॉय करते, लेकिन जब हम पढ़ रहे थे, जब हम हमारी क्लासेस हो रही थी, तो उस टाइम पे हम इंजॉय नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा फॉग यहाँ पर देखने को मिल रही थी। सो अब जो है वो शायद प्रॉपरली यहाँ पर फॉग का सीज़न स्टार्ट हो जाए। वैसे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, अभी तक जो है वो यहाँ पर अच्छे से हमें फॉग देखने को मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं देखने को मिल रही। इस चीज़ का बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है। आप मरी से थोड़ा सा बाहर देखें, गिलियात साइड पे भी इस दफ़ा फॉग काफ़ी लेट देखने को मिली है, लेकिन यहाँ जिका गली में तो बहुत 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 ज़्यादा फॉग होती है। लेकिन इस साल पता नहीं क्या वजह, हमारी यूट्यूब फैमिली में से बहुत सारे लोग इसका शौक़ रखते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शौक़ रखता हूँ फॉग वगैरह का, लेकिन अफसोस के इस दफ़ा को इतनी खास देखने को नहीं मिल रही। और कुछ लोगों को नहीं भी पसंद, लेकिन हम लोगों को बहुत पसंद है। और लास्ट टाइम भी आपके साथ शेयर हुआ था कि जो यहाँ पे घरेलू लड़कियाँ हैं ना, औरतें हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा इस फॉग वाले सीज़न में गंद पड़ जाता है, हज़ारों किस्म के नए कीड़े मकोड़े आते हैं, बड़ा अजीब सा मौसम समझा जाता है। लेकिन हम लोग जो बाहर आते हैं, वो इस खूबसूरती को, इस खूबसूरत चीज़ को ज़रूर इंजॉय करते हैं। अच्छा, चलते हैं माल रोड पर, देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है। रश क्राउड की बहुत ज़्यादा जो है वो रूम्स फिलअप हो चुके हैं, इतना ज़्यादा रश है। हमारी यूट्यूब फैमिली में से काफ़ी सारे लोग आ रहे थे, तो उनके लिए ना एक होटल में हम रूम देख रहे थे, तो वो होटल फिल हो गया है, उसमें और रूम्स हैं ही नहीं, तो अब फिर उनके लिए कोई और होटल देख रहे हैं, इतना रश है। तो अब आपको अंदाज़ा हो पाया होगा कि कितना रश है। मौसम ठंडा तो है डियर फ्रेंड्स, सुबह काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हुई है और फॉग वगैरह भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। मौसम इतना ख़राब था ना कि मैंने अपना लैपटॉप का चार्जर साथ में ही लाया, क्योंकि ऐसा ना हो हम बारिश की वजह से यूनिवर्सिटी में स्ट्रक हो जाएं, तो मैं लैपटॉप वहाँ पर साथ चार्ज करके काम कर सकूँ। लेकिन बारिश कम हुई है, यानी ना होने के बराबर हुई है, और फॉग वगैरह भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी। पता नहीं क्या वजह है यार, हमारे मौसमों को क्या हो चुका है। मौसम आहिस्ते आहिस्ते साफ होता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है। शायद ऐसा हो सकता है हम माल रोड पे पहुंचे तो हमें सनी वेदर देखने को मिल रहा हो, लेकिन यहाँ पे आप देखें फिर भी कदरे हाल बेहतर है वेदर। रश का तो जैसा कि पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो आप रोड्स पे भी देख सकते हो बहुत ज़्यादा रश है। ठंडा सा वेदर है, ठंडी सी हवाएं चल रही हैं।
यहाँ पे अब आप देखना ये जगह मार रोड से कितनी दूर है और यहाँ पे रूम रेंट क्या चल रहा है। ये डबल बेड रूम, डबल बेड का ये रूम रेंट होगा और फिर आगे मार रोड पे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कितने महंगा, कितना एक्सपेंसिव होगा रूम रेंट। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 6000 चल रहे हैं। तो मार रोड पे ओबियसली थोड़ा सा हाई होगा इससे। शहर अगर आपने आना है मरी तो ये देख लें, ऐसे ट्रैफिक में जो है वो यहाँ पे टूरिस्ट ट्रक हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपके सामने ही है सब कुछ। रोड छोटी है, पता नहीं क्या वजह, क्यों इतना ट्रैफिक जैम होता है। असल में मरी सिटी है ही छोटी सी, इसमें रश बहुत ज्यादा बन जाता है। यहाँ पे शायद ज़्यादा बारिश हुई है या ये कोई और पानी होगा जिसकी वजह से कीचड़ बना पड़ा है। डियर फ्रेंड्स, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मॉल रोड पे शायद जो है वो सनी सा वेदर हो, सो यहाँ पे भी क्लाउडी वेदर है लेकिन हल्की धूप हमें देखने को मिल रही है। सो वो जो जिगगरी का वेदर था काफ़ी खूबसूरत तरीन, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा वेदर था, लेकिन यहाँ पे कुछ हमें मौसम गर्म फील हो रहा है, आप देख सकते हो। और इसके अलावा ट्रैफिक का रश तो आपने पहले भी देखा, फिर देख लें इंट्रेंस पर भी जो है वो इसी तरह जो है वो रश बना पड़ा है। काफ़ी मुश्किल हो रही है टूरिस्ट को मरी के अंदर इंटर होने में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूम्स कम्प्लीटली फिलअप हो चुके हैं बहुत सारे होटल्स में, बहुत सीज़न ये ना पीक पे जा रहा है, तो जो भी आएँ लोग वो अपनी एडवांस बुकिंग लाजमी करवा के आएँ, मस्ट करवा के आएँ। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको मॉल रोड का विज़िट करवा देता हूँ आपको अंदाज़ा, ताकि बेहतरीन हो पाए जो लोग इस वीक के अंदर मरी आना चाह रहे हैं उनको, ताकि इस चीज़ का पता हो कि फैमिली को अगर साथ लाना है तो कितना क्राउड होने वाला है, कितना रश होने वाला है। एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, जितना क्राउड होता है, जितना रश होता है, इतना ही यहाँ पे ना रूम रेंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो जो लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं हमें रूम्स जो हैं वो सस्ते मिलें, तो वो इस सीज़न में हरगिज़ ना आएँ। इस सीज़न में अगर आप आते हैं तो आपको काफ़ी सारी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, रूम्स के रेट्स के लिहाज से बहुत 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 ज़्यादा हाई हैं रेट्स। हमने बहुत सारे होटल्स यहाँ पे रिव्यू किए हैं ना, अभी यहाँ पे करीब ही हमने एक होटल रिव्यू किया है, मैं नेम लेके इसको प्रमोट तो नहीं करना चाहूँगा, उसमें आज स्वीट रूम का रेट जो चल रहा है वो 15000 चल रहा है। जैसे कि व्लॉग के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि हमारी यूट्यूब फैमिली में से कोई भाई आने चाह रहे थे, तो उनके लिए ना हम होटल देख रहे थे, तो एक होटल देखा जो उन्हें पसंद आया था, उसमें रूम्स अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि रश इतना ज़्यादा है, और दूसरे में जो है वो 15000 स्वीट रूम का रेट चल रहा है, और इसके अलावा एक और है उसमें 13000 चल रहा है। तो इस तरह ना डिफरेंट रूम्स जो हैं वो हमें आजकल काफ़ी महंगे देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहे हैं।
अच्छा डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन होता है। जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो लोग जो हैं वो ज्वाइन कर लें। मैक्सिमम लोगों ने हमें ज्वाइन भी किया है, उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमारी आपस में कनेक्टिविटी हो जाएगी। और इसके अलावा आपको पाकिस्तान के डिफरेंट टूरिस्ट पॉइंट की ना इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देखने को मिल सकेगी। तो इन्फॉर्मेशन जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा मस्ट है। डेटा, इन्फॉर्मेशन, ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मस्त हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी टूरिस्ट पॉइंट पे जाने से पहले उस टूरिस्ट पॉइंट की मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप अगर इकट्ठी करके जाते हैं तो आपको शायद ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो इसीलिए आपस में हम लोगों ने कनेक्ट होने के लिए ये एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया और उसमें आप अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हैं हमारे कॉन्टेंट के रिलेटेड। तो बाकी उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आई होगी जिसमें मैंने आपको वेदर गाइड किया और इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो हमें क्राउड देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है, मेन मकसद इस व्लॉग का ये था। तो बाकी आप बताएं एपिसोड आपको कैसी लगी। रूम रेंट भी आपको मैंने बता दिया है आज की डेट में जो दो होटल्स में हमें देखने को मिल रहा है, एक एग्जैक्टली माल रोड के ऊपर होटल है और एक माल रोड से ना 30-40 सेकेंड्स की वॉक पे है शायद, या हो सकता है मैक्सिमम 1 मिनट भी 1 मिनट की वॉक हो। तो जो 1 मिनट की वॉक है उस पर 13,000 स्वीट रूम का रेट है और जो एग्जैक्टली माल रोड के ऊपर है उसका 15,000 जो है वो रेट है। तो एपिसोड मुझे तो उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी क्योंकि मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस एपिसोड को बनाने में। आज दिन में भी काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। थैंक यू।